अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूँ शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। और आज के अनकट में हम बात करेंगे सीनियर पॉलिटिशियन और जूनियर पॉलिटिशियन के बीच तकरीरात जो होते हैं और उसमें जो फ़र्क महसूस होता है उस पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कायदे मुखन्निना MIM के हलके चंद्रायन गुट्टा के कैंडिडेट अकबरुद्दीन अवैसी, जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, काबिल हस्ती है, उनके तकरीरात किस तरह से होते हैं और अपनी तकरीर में वो बारकस सलाला में हुए एक जलसे के दौरान उन्होंने जो तकरीर में अरब भाइयों के कल्चर के बारे में जो बताया है, रेस्पेक्ट जो करते हैं कल्चर को, वो किस तरह से उनकी स्पीच में दिख कर आ रहा है रेस्पेक्ट, वो एक मरतबा दी। मैं अरब भाइयों के मिजाज को, उनकी तहजीब को, उनके गोशे पर्दे को और लड़कियों के एहतराम, औरतों की इज्जत के बारे में भी जानता हूं। तो इस स्कूल में मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि चौथी या पांचवी क्लास तक बच्चे और बच्चियां साथ में रहेंगे, पांचवी के बाद लड़कियों की बिल्डिंग अलग होगी, लड़कों का अलग होगा, लड़कियों का दाखिला भी अलग होगा, लड़कों का दाखिला भी अलग। अरे हम इन छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं। देखा नाजरीन, इसे कहते हैं सीनियर पॉलिटिशियन, जो एक कम्युनिटी के कल्चर को डेवलप करने के बारे में, उस कल्चर की इज्जत के बारे में कहता है। अब दूसरी तरफ चलते हैं हम एक जूनियर पॉलिटिशियन जो हाल में ज्वाइन हुए पॉलिटिक्स, मशहूर बॉडी बिल्डर ईसा मिश्री, जो कांग्रेस पार्टी से इस हलके से उम्मीदवार है। वो बारकस में हुए एक जलसे के दौरान अरब कल्चर की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा अरब लोगों का कहना है। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा तो सही, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अरब भाइयों को नागवार गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, बारकस के ख्वातीन भी उन्हें जानते हैं। तो ईसा मिश्री के अल्फाज बारकस के ख्वातीन को पसंद नहीं आए, वहां के लोगों को पसंद नहीं आए। थोड़ा सा नेगेटिव एंगल दिख रहा है इन अल्फाज में। ख्वातीन किस तरह से जानती है ईसा मिश्री को, कौन है? सारे बारकस की ख्वातीन इनके रिश्तेदार है, जान पहचान है या क्या है? तो किस तरह से ख्वातीन जाते हैं सब, तो थोड़ा ये नेगेटिव अंदाज में जा रहा है इनका ये अल्फाज। आइए देखते हैं एकदम। और मैं शाली पंडा जरूर रहता हूँ, मगर पैदा हुए जब से इस बारकस में आना जाना मेरा लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ के बुजुर्ग भी मुझे जानते हैं, नौजवान भी जानते हैं, बल्कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, ख्वातीन भी मुझे यहाँ की जानती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तरफ कायदे मुखन्निना अरब कल्चर को रेस्पेक्ट करते हुए तकरीर, दूसरी तरफ ईसा मिश्री, इनकी तकरीर से बारकस के कुछ लोग काफी नाराज है, ख्वातीन भी नाराज है। और उस नाराजगी का सबूत दिखाई दिया उनके पैदल दौरे में, वहां के ख्वातीन ने इनके पैदल दौरे को रोक दिया और नहीं आने पर फोर्स किया। आइए देखते हैं। देखा नाजरीन, बहरहाल ये तो पॉलिटिक्स से चलता रहता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा अकबरुद्दीन अवैसी के स्पीचेस में, जो तकरीरात में जो बाज़ुखत जज्बात में आ जाते हैं अकबरुद्दीन अवैसी अपनी तकरीर के दौरान, जब उन्हें जोश आ जाता है तो क्या कहते हैं शायद पता नहीं चलता। वैसे आवाम को इनकी यही स्पीच पसंद आती है, लेकिन पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर लोग इनके इन अल्फाजों को गलत कह रहे हैं। अकबरुद्दीन के चंद अल्फाज तकब्बुर और गुरूर में दिखाई दे रहे हैं, तकब्बुर में। जैसा कि आपको हम एक स्पीच बताते हैं, इसमें आप देखिए।
कांग्रेसियों याद रखो, अकबरुद्दीन ओवैसी को चंद्रायन गुट्टे में रहने की, फिरने की, जलसे करने की जरूरत नहीं है। सही है ना? सही है ना? खबरदार, गांधी टोपी पहनने वालों, ए गांधी के गुलामों, कांग्रेस की लहरें बोल रहे ना, अरे 5 दिन निकल जाऊंगा तेलंगाना में तो लहर शहर में बदल जाएगी। देखा नाजरीन, बाज वक्त अकबरुद्दीन अवैसी की ये स्पीच में भी उनका तकब्बुर दिखाई देता है, गुरूर, अनायत दिखाई देती है। उन्होंने क्या कहा? अगर 5 दिन निकल जाएंगे तेलंगाना में तो कांग्रेस की लहर को कहर में बदल देंगे। लोगों का कहना है कि अकबरुद्दीन अवैसी होते कौन है, इतने तकब्बुर अनायत की बात करने वाले? क्या 5 दिन निकल गए तो स्टेट का पूरा रौनक ही बदल जाएगी, स्टेट की हलचल ही बदल जाएगी? अगर ऐसा होता तो सारे स्टेट में MIM के कैंडिडेट को ठहरा कर जीता ले सकते थे। ऐसे बातें आवाम में चल रही है। बहरहाल, कुछ लोगों को इनकी ये स्पीच भी पसंद आती है, कुछ लोग ऑब्जेक्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है जज्बात में कहते 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 कुछ भी निकल जाता है मुझे, थोड़ा सा ख्याल भी रखना चाहिए। चलिए, उम्मीद है कि आज का हमारा शो कुछ ना कुछ अवेयरनेस के लिए आपको पसंद तो आया होगा। पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छा कमेंट करिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।